मैंने सोचा क्यों ना ट्रैवल किया जाए, तो फिर हम निकल पड़े पाकिस्तान के नॉर्थन एरिया की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हुए हैं, नहीं बताना नहीं है, आज हम आए हुए हैं अयोबिया। ये मरी से तकरीबन पहले आपको छांगला गली आना पड़ेगा, उसके बाद आपको अयोबिया आना पड़ेगा, ठीक है। इस जगह के बारे में ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जानते और उम्मीद है इस ट्रैवल व्लॉग को देखकर आपका भी दिल करेगा यहाँ पे आने को। काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं, कितना प्यारा व्यू है। ये नीचे ग्राउंड है, मैं आपको दिखाता हूँ पास जाके देखते हैं। ये नीचे ग्राउंड है और यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे तो टेम्परेचर हमेशा टेम्परेचर यहाँ पर रहता है 16 सेल्सियस, हद 20 सेल्सियस, ठीक है। और बाकी जो से शहरों में लाहौर कराची, वहाँ तो फिर टेम्परेचर आप लोगों को पता ही है कितना होता है गर्मियों में। यहाँ पे गर्मियों में भी ठीक होता है और सर्दियों में तो फिर आपको क्या ही बताऊँ, इनसे दूर ही रहना चाहिए। देखे मेरे पीछे, मुझे देखे कितने आराम सुकून से जा रहे हैं। ये ऊपर होटल बने हुए हैं, इनकी यहाँ पे पूरी फैमिली पाई जाती है, ठीक है। चलो आपको कुछ यूबिया के सीन दिखाता हूँ। अगर वीडियो बनाते हुए थक जाओ तो फोन अपने दोस्त को दे देना, क्योंकि सीन एंजॉय करना जरूरी है। बादलों ने मुझे सुबह सुबह अपनी तरफ यूं खींच लिया कि जैसे मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ। इतना प्यारा मौसम है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरा बाहर पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि वो भी इधर आएं, इनको एंजॉय करें, आके देखें। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्यारा मुल्क है, ठीक है। आप भी यहाँ आएँ, देखें इनको, इंजॉय करें। आज की वीडियो यहाँ पे करते हैं स्किप और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।